हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर द पीएचडी इंटरव्यू। अब देखिए, पीएचडी के इंटरव्यू होने स्टार्ट होंगे। जैसा कि देखिए, यहाँ पर एक नोटिस दिखा देते हैं। ये एक हम स्टूडेंट शब्द सही नहीं रहेगा, एक रिसर्च स्कॉलर, ठीक है, जो कि एक रिसर्च स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, प्रमोद पांडे जी। उन्होंने ये भेजा था कि सर, हमारा इंटरव्यू के लिए कॉल आया है, प्लीज़ इस पर एक वीडियो बना दीजिए कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, कैसे करनी है। तो उनको मेल ये 18 अक्टूबर को आया था 4:52 पर। तो इंटरव्यू उनका 22 अक्टूबर 2024 को है 10 बजे से, ठीक है जी। वेन्यू ऑनलाइन, और यहाँ पर लिंक दिया गया है। अब देखिए, ऑनलाइन इंटरव्यू की बात करें या ऑफलाइन इंटरव्यू की बात करें, आज की वीडियो में हम वही चर्चा करेंगे कि पीएचडी के लिए इंटरव्यू, और अपना एक्सपीरियंस भी साझा करेंगे। काफ़ी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। अब ध्यान से देखना है, सबसे पहले आप जिस टॉपिक पर रिसर्च करने वाले हो या जिस टॉपिक पर आपने रिसर्च प्रपोजल बनाई है, ठीक है, उस टॉपिक को आप तैयार रखना। जैसे मान लीजिए आपने रिसर्च प्रपोजल बनाई है जिस भी टॉपिक पर, कोई भी टॉपिक हो आपका, तो उस टॉपिक पर आपकी कमांड होनी चाहिए। कमांड इन द सेंस कि क्वेश्चन कहाँ से पूछेंगे, एक तो टॉपिक से पूछेंगे कि आपने ये टॉपिक क्यों लिया, ठीक है, क्यों सवाल जरूर आएगा, वाई सवाल जरूर आएगा, ठीक है। देन इसके बाद आपसे ऑब्जेक्टिव से सवाल जरूर आएगा, रिसर्च प्रपोजल के टॉपिक से, रिसर्च प्रपोजल के ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है आपकी स्टडी के। थर्ड, रिव्यू ऑफ लिटरेचर से आएगा कि आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहाँ कहाँ से लिया है, ठीक है। और एक सवाल और आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद। चौथा सवाल आता है मैथडोलॉजी से। यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है मैथडोलॉजी से, ठीक है। तो आपने जो भी रिसर्च प्रपोजल बनाई है उसका टॉपिक तैयार रखना, ठीक है जी। उसका ऑब्जेक्टिव का पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इसके साथ साथ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैथडोलॉजी से पूछे जाते हैं कि आपकी मैथडोलॉजी क्या रहने वाली है, ठीक है, कौन सा डेटा लोगे या कौन से टूल्स का यूज़ करोगे। डेटा से सवाल पूछे जाएंगे, टूल से सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक भी ये पूछ लेंगे कि आप कौन सी सैम्पलिंग, आपकी जो रिसर्च है उसमें कौन सी सैम्पलिंग का यूज़ होगा, ठीक है। सैम्पलिंग में भी रैंडम सैम्पलिंग या नॉन रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग या नॉन रैंडम सैम्पलिंग, इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से सवाल ये रहेंगे, ठीक है। तो चार टॉपिक तो ये तैयार रखना, टॉपिक, ऑब्जेक्टिव, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मैथडोलॉजी, तो यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा अब देखिए, इंट्रोडक्शन तो आपका तैयार रहना चाहिए, ठीक है, अपने बारे में एक लाइन। आपको यहाँ पर हम बता देते हैं, काफ़ी लोग गलती करते हैं, इंट्रोडक्शन में कभी भी माई सेल्फ शब्द मत बोलना। जैसे माई सेल्फ रोहित गौतम, ठीक है, देखिए आपको बता देते हैं। जैसे आपने लगाया माई सेल्फ रोहित गौतम, ठीक है, तो ये अपने आप में एक गलत हो जाएगा, ठीक है जी। तो अगर कोई भी ऑफिशियल पर्सन होगा आपके सामने, तो माई सेल्फ बोलोगे, वहाँ पर ये गलत माना जाता है। आप या तो माय नेम इज़ बोल सकते हो, माय नेम इज़ रोहित गौतम, या आई एम रोहित गौतम। तो कुछ चीज़ें ऐसी ध्यान रखनी है, ठीक है जी, माय नेम इज़ रोहित गौतम या आई एम रोहित गौतम, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप फिर अपने मतलब होम टाउन वगैरह एड्रेस थोड़ा पता होना चाहिए, और एड्रेस में
गड़बड़ा मत जाना, कुछ लोग गड़बड़ा जाते हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ और, अपनी क्वालिफिकेशन पर आपकी कमांड होनी चाहिए कि आपने कहाँ कहाँ से कौन सी डिग्री ली है, ठीक है जी। क्वालिफिकेशन में अटकना मत, जहाँ से भी आपने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है या फिर कोई और अदर डिग्री की है, ठीक है। अपना नेम और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आप बता दोगे, और रिसर्च प्रपोजल के बारे में आपको हमने बता ही दिया है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि एक तो अपनी देखिए रिसर्च प्रपोजल पर कमांड रखना सबसे पहली बात, ठीक है। रिसर्च प्रपोजल में टॉपिक पर, ऑब्जेक्टिव पर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर और मेथडोलॉजी, और अपना बारे में इंट्रोडक्शन में अपना नेम वगैरह, ठीक है, और एड्रेस, क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना। कुछ और अदर बातें, अपनी ड्रेसिंग सेंस सही रखना है, ठीक है। ड्रेसिंग सेंस उसमें आप फॉर्मल ड्रेस पहनना, फॉर्मल इन द सेंस की शर्ट होनी चाहिए और ट्राउज़र होना चाहिए। अब कॉम्बिनेशन ऐसा बनाना ड्रेस का भी, ठीक है, बॉयज़ में अगर आप शर्ट डार्क कलर की पहन रहे हो, शर्ट मान लीजिए डार्क कलर की है, तो फिर आप जो ट्राउज़र या पैंट जो भी पहन रहे हो वो हल्का लाइट कलर की होनी चाहिए, या फिर शर्ट अगर लाइट कलर की है, शर्ट अगर लाइट कलर की है तो ट्राउज़र क्या है डार्क कलर का होना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन बना लेना है, ठीक है। कलर अपने हिसाब से चूज़ करना, अब ऐसा नहीं कि तोताई कलर की पैंट और संतरी जूते और गुलाबी शर्ट, या ऐसा कॉम्बिनेशन मत बनाना, वो कॉम्बिनेशन थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से अच्छा सा बनाना। गर्ल्स भी फॉर्मल ड्रेस पहन सकती हैं, फॉर्मल में जैसा कि साड़ी होती है, ठीक है, इंटरव्यू के टाइम पर, क्योंकि ये ऑफिशियल काम होता है, तो ऑफिशियल काम में ऑफिशियल ड्रेस ही पहननी चाहिए, ठीक है। टू द पॉइंट आंसर देने चाहिए, टू द पॉइंट, ऐसा नहीं आपसे पूछा कुछ और आप ओवर एक्साइटेड हो गए और उसमें फिर ज़्यादा ही बोलते चले गए। टू द पॉइंट, अगर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर उस तरह से ही देना है, ठीक है। ड्रेस हो गई और हेयर स्टाइल वगैरह, ठीक, वो वाली चपरी कटिंग मत करा लेना कि यहाँ पर कलर, यहाँ पर कलर, ठीक है, और पीछे को फिर हुए, तो ये चीज़ें बेकार लगती हैं, ठीक है। अपना हेयर स्टाइल ठीक रखना और शूज़ वगैरह ठीक पॉलिश कर, क्योंकि यहाँ पर ऑफिशियल काम होने जा रहा है, शूज़ वगैरह पॉलिश कर लेना है, अगर ब्लैक कलर के हैं तो ब्लैक पॉलिश, और अच्छे से जाना है। अगर आप स्पेक्स लगाते हो तो ठीक से साफ़ कर बढ़िया एकदम टिप टॉप होकर जाना है, ठीक है। अगर आप पर शेविंग सूट करती है, बियर्ड सूट करती है तो बियर्ड रख लेना, अदरवाइज अगर शेविंग में आप अच्छे लगते हो तो आप सेव कर जा सकते हो, तो अपने बारे में आप अच्छे से जानते होगे कि आपका चेहरा कब खिलता है, ठीक है, शेविंग करने के बाद या बियर्ड में, तो ये आप डिसाइड करना है, ठीक है जी। तो ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। हम अपना एक्सपीरियंस अगर साझा करें यहाँ पर, कि जो हमारा इंटरव्यू हुआ था उसमें क्या क्या पूछा गया था, ठीक है। देखिए हमने अब तक तीन, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया में दिया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में इंटरव्यू लिया ही नहीं, ठीक है, लेकिन RDC हुई है, तो RDC का एक्सपीरियंस बता देते हैं थोड़ा सा, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में, तो ड्रेसिंग सेंस वही ठीक ठाक रखना, शूज़ वगैरह, और रिसर्च प्रपोजल ठीक रखना है, ठीक है जी। और सवाल जितना पूछा जाए उतना जवाब देना है, उससे ज़्यादा आप इधर उधर की बातें नहीं करना है, टू द पॉइंट बातें रखना है,
दो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 5 मिनट तक आपका इंटरव्यू बस जाएगा, इसके अलावा ज़्यादा नहीं जाता है इंटरव्यू, ठीक है। इसमें आप अपना आपको प्रेजेंट कर सकते हो अच्छे से। तो आप सभी को इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से इंटरव्यू देना है और हमारी तरफ से गुड लक। और जिनका इन फ्यूचर इंटरव्यू होगा DU या AMU या किसी भी यूनिवर्सिटी में, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।